Hello children, welcome to my lecture. Today we are going to take information regarding 11th standard English first unit test. तो आज हम जानकारी लेंगे कि 11th का जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है वो कितने मार्क्स का होता है और उसका पेपर पैटर्न कैसा है और पोर्शन क्या है. तो देखिए, सी 11th स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट कैरी मैक्सिमम 25 मार्क्स. इट मीन्स ये एग्ज़ाम जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हमारा 11th स्टैंडर्ड का होने जा रहा है वह 25 मार्क्स का होगा. तो लेट्स वी कम टू नो व्हाट इज द पोर्शन फॉर आवर फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट टेस्ट. सो क्वेश्चन नंबर वन, एज वी नो स्टूडेंट आवर टेक्स्ट बुक इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट, प्रोज, पोइट्री, राइटिंग स्किल एंड फोर सेक्शन इज दैट इज जॉनरे ड्रामा. इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट ओनली वी आर गोइंग टू टेक प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन एंड राइटिंग स्किल सेक्शन. मीन्स हम फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सिर्फ जो है आपको प्रोज का, पोइट्री का और राइटिंग स्किल के बेस्ड पर क्वेश्चंस देंगे. सो इस यूनिट टेस्ट में जो पोर्शन है हमारा प्रोज सेक्शंस पे वो लेसन नंबर 1.2 ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप एंड 1.3 द कॉल ऑफ द सॉयल. सो ये दोनों चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट सेक्शन जो है पोइट्री सेक्शन, पोइट्री सेक्शन से आपको 2.1 चेरी ट्री और 2.2 द सोवर से ही क्वेश्चंस आएंगे. और जो हमारा थर्ड सेक्शन है राइटिंग स्किल का, ये 6 मार्क्स का रहेगा. इसमें 3.1 एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और 3.2 ब्लॉग राइटिंग से आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आने वाले हैं. अभी तक मैंने आपको पोर्शन के बारे में बताया, तो अब देखिए पेपर पैटर्न कैसा होगा. जो हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट है वो मैक्सिमम 25 मार्क्स का होगा. इन दिस यूनिट टेस्ट पेपर वी गेट 3 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 1 प्रोज सेक्शन, इट कैरी 11 मार्क्स. सो इन दिस सेक्शन 1.2 एंड 1.3 वी आर टेकिंग एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस टू चैप्टर्स वी विल गेट द क्वेश्चन. मे बी दैट क्वेश्चन आर ट्रू फॉल्स टाइप और मे बी यू विल गेट द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन और वी कैन से चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी गेट दैट इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज गिव द मीनिंग ऑफ और मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट द मीनिंग ऑफ द word. Which word is given in the question paper, that words you have to write the meaning. And next, maybe you get the filling the blank, this type of question also. So children, जो section 1 में मैंने बोला जो question number 1 है वह section 1 से ही आएगा. उसमें आपके दो chapter आने वाले हैं. इन दोनों chapter में से कोई एक passage आएगा, उस passage के basis पे आपको जो है multiple choice questions आएंगे. वो question या ट्रू फॉल्स टाइप के रहेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव के क्वेश्चन और हम कह सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन इस टाइप का रहेगा. या तो आपको कोई वर्ड दिया रहेगा, कहा जाएगा कि इसकी मीनिंग आप पैसेज से ढूंढ. नेक्स्ट या तो आपको फिलिंग द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन रहेगा. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आएगा. उसे हम कहते हैं डू एस डायरेक्टेड. इट इज बेस्ड ऑन ग्रामर. ये कितने मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का रहेगा. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो रहेगा आर्टिकल. तो यहाँ पर आपको फिलअप रहेगा, आपको चूज करना है कि कौन सा आर्टिकल किस ब्लैंक में अप्रोप्रिएट रहेगा. तो आपको वह चूज करके वहाँ पर फिल करना है. या तो ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन के हिसाब से आपको लिखना रहेगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. मींस फर्स्ट और सेकंड ब्लैंक में जो भी आर्टिकल आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, वो आर्टिकल आपको वहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसे आपको चूज करके उसे क्लिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपोजिशन. आई थिंक यू ऑलरेडी नो प्रीपोजिशन. इन, फार, टू, से, ऑफ, लाइक दैट वर्ड्स आर प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन मीन्स द वर्ड विच शोज द पोजिशन ऑफ नाउन और प्रनाउन. तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का. तो आपको चूज करना है जो ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सेंटेंस पढ़ना है उस सेंटेंस में कौन कौन से प्रीपोजिशन परफेक्ट होते हैं. अब वो प्रीपोजिशन आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, तो जो भी प्रीपोजिशन परफेक्ट रहेगा उस ऑप्शन के पास आपको क्लिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नरेशन. नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो बेस्ड ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा और चेंज करके आपको ऑप्शन
दिया रहेगा पेपर में, तो जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा उस ऑप्शन के पास आपको क्लिक करना है. ओके, नाउ फ्रॉम सेक्शन 2A, इट्स बिलोंग्स टू द सेक्शन 2, दैट इज द पोइट्री सेक्शन. इट कैरी 5 मार्क्स. इस जो पोइट्री सेक्शन है वहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. पोइट्री सेक्शन से सेम आपको फिलअप्स या चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आएंगे. और मैंने ऑलरेडी आपको पोर्शन बताया है कि पोइट्री सेक्शन से 2.1 चेरी ट्री, 2.2 द शोवर, इसमें से कोई भी एक पोयम का पैसेज आपको आएगा और उस पैसेज के बेस पे आपको फिलअप आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, या चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, मीन्स आपको लाइन दी रहेगी वो लाइन कौन से फिगर ऑफ स्पीच से बिलोंग करती है उस फिगर ऑफ स्पीच के पास आपको क्लिक करना होगा. यहाँ पर लिखना नहीं है, यह गूगल फॉर्म में क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है. आपको आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसी ऑप्शन के पास आपको क्लिक करना है. फिगर ऑफ स्पीच आपको क्या किया जाएगा, पोयम की एक लाइन दी रहेगी, वो लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच से बिलोंग होती है, यहाँ ऑप्शन दिए रहेंगे आपको 1, 2, 3, तो जिस फिगर ऑफ स्पीच से वो लाइन बिलोंग करेगी उस फिगर ऑफ स्पीच के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3A और 3B, और ये सेक्शन 3 राइटिंग स्किल से आएगा, 6 मार्क्स का रहेगा. यहाँ पर पोर्शन आपको बताया है मैंने, 3.1 एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और 3.2 ब्लॉक राइटिंग से आएगा. बोथ एक्सपेंशन ऑफ आइडिया 3 मार्क्स का आएगा और ब्लॉक राइटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे. तब यहाँ आपको ये लग रहा होगा, बहुत सारा डाउट होगा, तो ये सब तो हमको ब्रीफ में लिखने के लिए आता है, लेकिन मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, राइटिंग स्किल, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ है, उसके एलिमेंट्स क्या है, उसमें हेडर क्या है, उसमें हमें समरी लिखनी है, या सेकेंड पैराग्राफ क्या होता है, थर्ड पैराग्राफ क्या होता है, या किस चीज़ के ऊपर हम आइडिया एक्सपांड करते हैं, या ब्लॉग राइटिंग में हम क्या करते हैं, इन सब से संबंधित आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस मिलेंगे. जो क्वेश्चन रहेगा उसके रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वहीं पे आपको क्लिक करना है. एक बार मैं फिर आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है ये 25 मार्क्स का रहेगा. इसमें आपको इंग्लिश टेक्स्ट बुक के 3 सेक्शन, प्रोज, पोइट्री और राइटिंग स्किल से ही क्वेश्चन आएंगे. प्रोज सेक्शन में आपको 2 चैप्टर्स आएंगे. आपको मालूम है 1.1 ऑलरेडी ओमिटेड है सिर्फ दिस ईयर के लिए, क्योंकि आपका यहाँ पर 11th का सेशन लेट चालू हुआ कोरोना के वजह से और COVID-19 के वजह से आपका ये सेशन लेट चालू हुआ है, इसलिए यहाँ पर 1.1 को ओमिट किया गया है. 1.2, 1.3 जो है इसमें से किसी एक चैप्टर से आपको पैसे जाएगा, उस पैसे से बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे. वो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप के हो सकते हैं, या चूज द करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, या गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड, या फिलिंग द ब्लैंक. ये जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसके नीचे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके पास ही आपको क्लिक करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 1B आपको ग्रामर बेस्ड होगा, 3 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा. फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल बेस पे होगा, सेकेंड क्वेश्चन प्रीपोजिशन बेस पे होगा, थर्ड क्वेश्चन नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस पे होगा. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 ए सेक्शन 2 मीन्स पोइट्री सेक्शन से होगा, यह 5 मार्क्स का रहेगा. यहाँ पर भी 2 पोएम आएगी आपको, 2.1 और 2.2, चेरी ट्री और द सोवर से किसी भी एक पोएम से आपको छोटा सा एक स्टेंजा आएगा, उस स्टेंजा के बेस पे आपको क्वेश्चन आएंगे. वो क्वेश्चन हो सकता है फिलअप हो, मैच द फॉलोइंग हो, चूज द करेक्ट ऑप्शन हो, या चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच हो, मीन्स पोइटिक लाइन दी रहेगी, वो लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच से बिलोंग करती है, ऑप्शन में आपको फिगर ऑफ स्पीच दिया रहेगा, वो लाइन जिस फिगर ऑफ स्पीच से बिलोंग करती है उसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है. फिर सेक्शन 3 मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो सेक्शन 3 से आएगा, वो राइटिंग स्किल का सेक्शन है, यह 6 मार्क्स का रहेगा. यहाँ पर भी आपको 2 चैप्टर्स आएंगे, 3.1 एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और 3.2 ब्लॉग राइटिंग. दोनों चैप्टर 3-3 मार्क्स का, दोनों चैप्टर का वेटेज रहेगा, दोनों चैप्टर से कंपल्सरी क्वेश्चन आएंगे. यहाँ पर भी आपको मल्टीपल च्वाइस के ही क्वेश्चन रहेंगे, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वहां पर आपको क्लिक करना. आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है उसका पेपर कैसा रहेगा, उसका पोर्शन क्या है. थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.